जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा इंदिरा गांधी खेल परिसर में 33वीं सब जूनियर अंडर 13 गर्ल्स एंड बॉयज की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने किया। इस अवसर पर इस प्रतियोगिता के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि युवा शक्ति को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए खेलों को अपनाना चाहिए। शिमला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 3 दिवसीय 33वीं हिमाचल प्रदेश राज्य सब जूनियर अंडर 13 लड़के और लड़कियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा मुख्य रूप से पधारे और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नरेंद्र बरागटा ने कहा कि युवा शक्ति को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए खेलों का अपना एक विशेष महत्व है और इसके माध्यम से युवा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमारे समाज में जिस तरह से युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है वे बेहद ही चिंताजनक है और युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करके हम उन्हें नशे के चंगुल में फंसने से बचा सकते हैं। नरेंद्र बरागटा ने बताया कि बैडमिंटन खेल का हमारे प्रदेश में एक विशेष महत्व है और प्रदेश सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे को भी लगता है कि मैं पुराने दिनों में चला गया हूँ और जब हिमाचल यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त मैंने इंटर यूनिवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट करी थी और जयपुर में बैडमिंटन का हमारा टूर्नामेंट हुआ था, हम जीत के आए थे। तो मैं खुद भी क्योंकि नेशनल लेवल में कई डिसिप्लिन को खेला हूँ, खुद जो हूँ मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए जहाँ भी मुझे मौका लगता है और बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, सिर्फ इन्हें मेरे को टेलीफोन किया, ये मेरे को बुलाने भी नहीं आए, फिर भी मैं यहाँ पर हाजिर हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सारे अपने लोग हैं, सारा अपना एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बैडमिंटन का एक अलग से स्थान है हमारे प्रदेश के खेलों में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बैडमिंटन के सारे लोग, खास करके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस तरह से वो समय समय पर जो है बैडमिंटन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि स्पोर्ट्स को और बढ़ाने के लिए आपका भी प्लस का भी हमारे को जो है बहुत इसमें जो है वो कॉपरेशन की जरूरत है और मुझे आज इनको शुभकामनाएं देनी और इनका धन्यवाद भी करना है। जबकि हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रयास खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास दिसंबर माह में हिमाचल बैडमिंटन लीग की प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का रहेगा जिसमें कि प्रदेश के खिलाड़ी बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। इसके 10 जिलों के जो चयनित खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन के आधार पर जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें जो बच्चे फर्स्ट प्रथम और द्वितीय रहेंगे उनको राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। हमारा ये प्रयास है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो हैं उन प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाएं और इसके लिए ना केवल प्रदेश बैडमिंटन संघ बल्कि जिला बैडमिंटन संघ जो हमारे साथ एथलीट हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं धन्यवादी हूँ प्रदेश सरकार का कि उनकी तरफ से भी हमारी एसोसिएशन को बहुत सहयोग मिल रहा है।